दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने भी अगर आई फाइल किया था और फाइलिंग आई का इंटीमेशन ऑर्डर आपके पास आ गया है तो इंटीमेशन ऑर्डर आने के बाद में कितने दिन बाद में जो हमारा रिफंड बन रहा है वो रिफंड अमाउंट जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि रिफंड अमाउंट इंटीमेशन ऑर्डर आने के बाद कितने दिन बाद में जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो दोस्तों इंटीमेशन जब ऑर्डर आता है हमारे पास टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी आता है और जो हमारा पोर्टल में जो रजिस्टर्ड मेल है मेल के ऊपर भी जो है इंटीमेशन ऑर्डर आता है तो इंटीमेशन ऑर्डर में सब कुछ क्लियर कट लिखा रहता है कि जो है इंटीमेशन ऑर्डर आने के बाद में कितने दिन बाद में जो है रिफंड आ जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपना जो मेल है मेल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में आई टी इंटीमेशन आपको टाइप कर देना है तो जो इंटीमेशन ऑर्डर का जो हमारे पास मेल आया है वो मेल हमारे को शो कर देगा तो इस तरह से जो है योर आई टी आर इंटीमेशन करके शोक कर देगा अभी ये जो फाइल है ये इंटीमेशन ऑर्डर जो आता है ये पी डी एफ़ की फ़ाइल है और पासवर्ड प्रोटेक्ट होती है तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आप जो है पासवर्ड इसका क्रिएट करके और अपनी पी डी एफ़ फ़ाइल को जो है ओपन करके और अपनी डिटेल जो है चेक कर सकते हो तो सबसे पहले आपको जो है ये पी डी एफ़ की जो फाइल है फाइल को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में जो है जो भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे करें उसके द्वारा सबसे पहले हमारे को उसको जो है पी फाइल को ओपन कर लेना है जैसे आप पी फाइल को ओपन करोगे ओपन करते ही ये क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्ट है तो पासवर्ड मांगेगी तो पासवर्ड में आपको क्या करना है कि आपका जो है पेन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ यानी इसका जो पासवर्ड है वो दो इन पेन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों का जो है कम्बिनेसन है तो आपको पेन कार्ड नंबर स्मॉल लेटर में पूरा का पूरा पेन कार्ड नंबर और कंटिन्यू में जो है आपको जो बट डाल देनी है जैसे आप करोगे इस तरह से आपको जो है यहाँ पर नोट करके तो इस नोट में देखो क्या लिखा सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाने की उम्मीद है कृपया ध्यान दें इस तरह का क्रेडिट आपके बैंक खाते के पूर्व सत्यापन धन वापसी के लिए नामांकित व बैंक खाते से जुड़े पेन के अधीन है तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि जैसे ही आपको आई टी इंटीमेशन ऑर्डर मिल जाता है उसके पंद्रह दिनों के भीतर जो है आपका जितना जो इसका रिफंड अमाउंट है वो बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा परंतु ये बता रहा है कि आपका बैंक खाता जो है जो है प्री वेलीडेट होना चाहिए और उसमें जो है जो पेन नंबर है वो पेन कार्ड नंबर उसमें ऐड होना चाहिए तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है तो आपको अगर हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में इसको रीड कर सकते हो या फिर इंग्लिश अगर हिंदी आपके नहीं समझ में आ रही अंग्रेजी समझ में आ रही है तो पेज को फुल्ली ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ आप जैसे स्क्रॉल करोगे इसमें जो है नीचे आपको यही चीज़ जो है अंग्रेजी में यानी हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो और आप जो है इसको इंग्लिश में भी जो है पढ़ सकते हो जैसे ही मैंने पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया यही सेम बात जो है इंग्लिश में लिखी हुई है तो नोट करके रिफंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट विद इन फिफ्टीन डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटिमेशन काइंडली डेट सच क्रेडिट इन सब्जेक्ट टू योर बैंक अकाउंट बींग प्री वेलीडेट एंड लिंक टू योर पेन यानी करने का मतलब यही है दोस्तों कि आपका जो बैंक अकाउंट जो आपने आई पोर्टल में जो बैंक अकाउंट आपने जो है ऐड कर रखा है वो जो है प्री वेलीडेट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट के साथ में जो है आपका पेन कार्ड लिंक होना चाहिए नहीं तो आपके पास क्या होगा कि आई का इंटीमेशन ऑर्डर भी आ जाएगा सब कुछ आपका ओके है परंतु अगर आपकी एक छोटी सी क्यूरी होगी तो उसके कारण जो है आपका जो रिफंड जितना बन रहा है आई का वो रिफंड आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट नहीं हो पाएगा तो ये ध्यान रखने वाली चीज है इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और भी सावधानियां बताऊंगा वो भी आपको रखनी है ताकि जल्दी से जल्दी आई टी इंटीमेशन ऑर्डर आते ही जो है ईजिली और जल्दी से जल्दी आपके जो है अकाउंट में जो रिफंड बन रहा है वो क्रेडिट हो जाए तो और भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है तो ये जो है सावधानी इस प्रकार से रिफ़ंड क्रेडिट बैंक अकाउंट के साथ पेन कार्ड लिंक होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण कि जो भी आपने आई पोर्टल में जो बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है पेन कार्ड उसके साथ लिंक होना ही होना चाहिए दूसरा रिफंड क्रेडिट होने वाले बैंक अकाउंट में के डिटेल अपडेट होनी चाहिए यानी के डिटेल भी अपडेट होनी चाहिए कई कई बार क्या होता है कि हमारे को के का पता ही नहीं रहता और जो है के हमारी पेंडिंग रहती है अगर आपकी के पेंडिंग रही तो जो है रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाएगा अगर बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हुआ है तो न्यू आईएफएससी कोड जो है आईटीआर पोर्टल में ऐड कर ले जो है अगर मान लो बैंक कई के कर क्या करता है कि बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है तो वो न्यू वाला आईएफएससी कोड जो है आपको अपने आईटीआर पोर्टल में ऐड जो है जरूर कर लेना है इसके बाद में अगर रिफंड बैंक अकाउंट को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र किया है तो न्यू ब्रांच का आईएफएससी कोड अगर आपने मान लो कि आपका बैंक अकाउंट पहले कहीं और था और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लिया तो जो न्यू जो आईएफएससी कोड है वो ज़रूर आप जो है इसमें पोर्टल में ऐड कर ले। आईटीआर पोर्टल में ऐड बैंक अकाउंट में वेलीट एंड ई वी सी इनबेट ग्रीन टिक होना चाहिए यह बैंक डिटेल में आपको जो है दोनों चीज़ यानी वेलीडेट एंड ई वी सी इनेबल ग्रीन टिक होना चाहिए इसके बाद में आई टी आर पोर्टल में एड बैंक अकाउंट में इलीगल फॉर रिफंड ग्रीन टिक होना चाहिए यानी ये जो है आपको आई टी आर पोर्टल को ओपन करना है और जो यहाँ पर आपकी जो बैंक डिटेल है बैंक डिटेल में जो है ये चीज़ें दोनों की दोनों चीज़ें जो है ग्रीन टिक मार्क शो होनी चाहिए ग्रीन टिक मार्क अगर शो नहीं हुआ तो आपका जो है रिफ़ंड अटक सकता है इसलिए और भी ये जो सावधानी मैं बता रहा हूँ ये भी आपको ज़रूरी है ताकि जल्दी से जल्दी आपको जो है रिफ़ंड क्रेडिट हो जाए इसके बाद में है आई पोर्टल में एड बैंक अकाउंट डिटेल में नॉमिनेट फॉर जो है रिफ़ंड है वो ब्लूटिक ब्लूटिक यानी वो ब्लूटिक टिको होना चाहिए किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो नहीं समझ में आ रही है कन्फ्यूजन हो तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा जो है इनकम टैक्स कस्टमर केयर को कांटेक्ट करें या फिर जो है ईमेल भेजकर भी आप जो है कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हो फिर भी कोई क्यूरी हो नहीं समझ में आरोप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे मेरे से जितना हो सकेगा पूरी हेल्प करूँगा थैंक यू